أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اللهم صل على सैयदिना व मौलाना मुहम्मद वाला सैयदिना अलीयों व सैयदातिना फातिमा व सैयदातिना ज़ैनब व सैयदिना हसन व सैयदिना हुसैन वालाही व साहबे ही व बारिक व सलीम. हजूर सा कोई तजाम हो जाए हजूर सा कोई तजाम हो जाए हजूर सा कोई तजाम हो जाए हजूर ऐसा कोई तजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए
और मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, और तजल्लियात से भर लूं मैं अपना का साए जान, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना का साए दिल, कभी जो की गली में कयाम हो जाए, हजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, और हजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, और मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए, हजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, आका सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। जजाकल्ला, अल्लाह ताला आप दोनों की तौफीकात में इजाफा फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम में हम रमज़ान मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। आपने अपने आज के इस प्रोग्राम में हमने इस मौजू का इंतखाब किया है, यकीनन उसे कहा जा सकता है कि वह तमाम के तमाम आमाल का नुक्ता आगाज है। मेरी मुराद है अल्लाह सुबहानहु व तआला, जो हम सब का खालिक है, जो हम सब का मालिक है, एक इंसान को, बंदे को अपने रब से किस किस्म का ताल्लुक होना चाहिए, उस ताल्लुक की
इंतहा कैसी होनी चाहिए, यानी मोहब्बत इलाही। मोहब्बत इलाही हमें क्यों कर मकसूद है, वो ज़िंदगी गुजारने में आमाल की अंजाम दही में हमारी किस तरह मुआविन हो सकती है, इन तमाम मौजूआत पर, इन तमाम पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। हमने दावत दी है नौजवान इस्लामी स्कॉलर जनाब कारी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को। कारी साहब खुश आमदीद कहता हूँ अपने आप अपने आज के प्रोग्राम में आपको। कारी साहब मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक की जो कैफियत हैं और ये जो गुजरते दिन हैं इसके हवाले से आप थोड़ा सा गुफ्तगू फरमाएं। रमज़ान मुबारक अभी शुरू हुआ चाहता था, कल की बात लगती है, और अब रमज़ान मुबारक बड़ी तेज़ी से जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है। मैं तो आज सुबह से ही महसूस कर रहा था, काफ़ी जो है वो एक नज़म सुनते हुए ना तो दिल अचानक से बड़ा बोझल सा महसूस कर रहा था कि हम बिल्कुल जो है वो इसका किसी भी किस्म का हक अदा करने में जो है वो नाकाम रहे हैं, यूँ कहूँगा मैं। जज़ाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया रोहान दानिश भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का, आपके इदारे का, इस चैनल का, कि एक अच्छे नहज पर, एक अच्छे मिशन को लेकर आप चल रहे हैं। हर एक की काविश होती है अच्छाई को फैलाना, इसमें आप भी हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी काविशों को, इस इदारे की इंतज़ामिया की काविशों को, जो आपकी टीम है जो मेहनत कर रही है, हमें नज़र आ रही है, हम देख रहे हैं, हमारे कई सीनियर कोलीग्स यहाँ से होकर गए हैं, सबकी काविशों को कबूल फरमाए। जहाँ तक बात है, जो बात आपने शुरू में कही है, ये वाहिद महीना है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बजाते खुद ये कहा है कि अय्याम मादूदात, कि ये गिनती के चंद दिन है। हालांकि सारे के सारे महीने आप देख लें 29 दिन पर या 30 दिन पर मुश्तमिल है, अय्याम कभी 29 हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं, लेकिन सबकी गिनती बराबर होने के बावजूद अल्लाह ताला ने मुबारक को खास तौर पर यह कहा है कि अय्याम मादूदात, कि ये गिनती के चंद दिन है। वही बात आपके वाली के जी, अभी रमजान मुबारक आ रहा होता है तो हम कहते हैं कि जी रमजान आ रहा है, रमजान शुरू हो रहा है, एक अलग कैफियत होती है। अब आपके सामने है कि रमजान आया, गुजर गया, अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब गामजन है। जहाँ तक हक अदा करने की बात है तो यकीन जानिए हम हक अदा नहीं कर पा रहे। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए गोल्डन चांस होता है, सालाना बुनियादों पर एक रिफ्रेशर कोर्स होता है, बिल्कुल, कि इंसान अपनी जो खतूत हैं उनको एक नहज पर, एक दुरुस्त रास्ते पर इस्तवार कर ले। जी, तो ये मौका होता है अल्लाह ताला की तरफ से, गनीमत होती है, इंसान ने अपने आप को डेवलप करना होता है, एक भूला हुआ सबक इंसान ने याद करना होता है, अपने असली सबक की तरफ आना होता है। देखें, सिवाय रोज़े के, रमज़ान मुबारक में सिवाय रोज़े के बाकी जितनी भी इबादात हैं वो इंसान पूरा साल कर सकता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, किसी के लिए भलाई का काम करना है, खैर का काम करना है, क़ियामुल लैल है जिसे हम तरावी की सूरत में अदा करते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सिर्फ एक रोज़ा इबादत ऐसी है जो इंसान के लिए एक ढाल है बुराइयों से बचने की, तो ये, और यहाँ तक के रोज़े की हालत में इंसान जायज़ चीज़ों से, जो जायज़ अमूर है उसके लिए हलाल तय्यब चीज़ों से बाज रहता है। ये ट्रेनिंग थी, ये सबक था जो रमज़ान देकर जा रहा है, अगर हम हासिल कर लें कि रोज़े की हालत में, दिन के औकात लम्हात में, अगर आपने अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह का हुक्म मानते हुए रोज़ा रखा है, फिर रोज़े की कैफियत में आप तय्यब चीज़ों से, रोज़मर्रा के मामूल की चीज़ों से दूर रहे हैं, रुक गए हैं, तो रमज़ान के बाद और रमज़ान के होते हुए भी जो नजायज़ अमूर हैं, जो ममनुआ अमूर हैं, जिनको हराम करार दिया गया है, उनसे क्यों नहीं रुक सकते। असल ट्रेनिंग ये है, असल मकसद ये है। यानी गोया ये वाकई आपने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कि ये ट्रेनिंग है कि अल्लाह का हुक्म मुकद्दम है, मुकद्दम है बिल्कुल, और उसके मुताबिक जो है वो खुद को ढालने की प्रैक्टिस करनी है। इस महीने में अल्लाह ताला बहुत सारी हलाल चीज़ों से भी हमें एक मखसूस वक्त के लिए रोक देते हैं, तो गोया हमारी ट्रेनिंग हो रही है कि हमने बाकी 11 महीनों में जो नवाही हैं और जो मुहर्रमात हैं अल्लाह के, उनसे कैसे खुद को बचाना है। अच्छा, बहुत शुक्रिया कारी साहब। हम आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं, तो हमने आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है मोहब्बत इलाही।
और उसके तकाजे क्या हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये चाह रहा हूँ कि आप तकाजों की जानिब भी हम जाएंगे, उसके असरात क्या हैं, तकाजे क्या हैं, लेकिन आप सबसे पहले इसे डिफाइन करें कि मोहब्बत इलाही बुनियादी तौर पर है क्या और इसकी एक बंदे मोमिन को आमाल के अंजामदही के लिए ज़रूरत क्यों है और है भी कि नहीं। जज़ाकअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सवाल है और पूरा मौजू आपने समेट दिया इसमें। मोहब्बत इलाही दरअसल रज़ा इलाही के हुसूल का दूसरा नाम है। एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए इससे बढ़कर कोई बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि उसको अपने खालिक, अपने मालिक की रज़ा और रहमत नसीब हो जाए, उसको अपने रब की मोहब्बत नसीब हो जाए। लेकिन असूल ये है रूहान भाई जी कि मोहब्बत एक तरफा भी होती है और दो तरफा भी होती है। तो यहाँ मामला दोनों अतराफ का है। जो एक तरफा वाली बात है वो उसकी जानिब से चल रही है, यानी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से चल रही है। अच्छे अच्छे से बंदा, बंदे ने अपना इजहार करना, यानी बंदा जब कदम उठा ले तो फिर ये एक तरफा मोहब्बत रह ही नहीं, रह ही नहीं सकती। जज़ाकअल्लाह। वरना उसकी तरफ से एक तरफा चल रही है, कभी उसकी इनायात कम नहीं हुई, उसकी मोहब्बत है। कभी उसके इनामात हमसे नहीं रुके, ये उसकी मोहब्बत है। उसने कभी हमारा रिस्क नहीं रोका, ये उसकी मोहब्बत है। हमारे रोजमर्रा के अमूर मामूल पर चल रहे हैं, हमारी सारी बदअमालियों, गुस्ताखियों के बावजूद, बावजूद हमारी कजफहमियों के, गलतियों के, हमारे जो अमाल है तो कहने बगावतों के, बिल्कुल बगावत है, सरकशी है, खुल्लम खुल्ला हम सरकशी करते हैं, खुल्लम खुल्ला। कई अमूर ऐसे हैं जो इनफरादी सतह से लेकर इज्तमाही सतह तक हमारे अंदर, हमारे माशरे के अंदर ऐसे मौजूद हैं जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, जिसे ऐलान जंग भी कह लें, सूद को ले लें। जी बिल्कुल। हमारे मुल्क में क्या है, इनफरादी भी चल रहा है, हाँ जी, और इज्तमाही भी चल रहा है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हम उसके खिलाफ तबले जंग बजा चुके हैं। इस सब कुछ के बावजूद उसकी रहमत में, उसकी मोहब्बत में कमी नहीं आई, ये मोहब्बत उसकी तरफ से जारी है। अब जो हमने इजहार करना है वो जरूरी है, तब जाकर ये मोहब्बत के पहलू पूरे होते हैं, तब जाकर ये मोहब्बत के तकाजे पूरे होते हैं, फिर तकाजे शुरू होते हैं, फिर जिसे आप कहते हैं उर्फ आम में, बड़ा आसान है हालांकि अंग्रेजी का लफ्ज है, गिव एंड टेक। फिर जब आप उस पर आते हैं तो फिर ये बात एक अलग, इसके अंदर एहसास है, अलग इसके अंदर जज्बात हैं, अलग इसके अंदर अपनाइत है, अलग इसके एहसासात हैं। आप कभी महसूस करें, कभी तन्हाई में खड़े होकर, कभी किसी मजमा में खड़े होकर, जब आप लिंक करते हैं और मोहब्बत के बदले में मोहब्बत देते और लेते हैं और उसका तकाजा करते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आपके साथ साथ एक अलग कैफियत में हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया कारी साहब। अच्छा, मैं अभी आपकी गुफ्तगू के तनाजुर में ये बात जहन में आई कि अल्लाह का खौफ भी एक बड़ा मारूफ जुमला है और बोला जाता है, उसका तकाजा किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि खौफ और मोहब्बत, इनमें कोई ताल्लुक है या इनमें से कोई एक चीज़ मुकदम है, और ख़ास तौर पे बच्चों की तरबियत में क्या रवैया होना चाहिए वालदैन और असातिज़ा का। लेकिन आप मुझे उससे पहले इजाज़त दीजिए, यहाँ वक्त हुआ है हमारी एक ब्रेक का। तो आपकी इजाज़त से नाज़रीन मोहतरम, वक्त हुआ है यहाँ एक ब्रेक का, हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हम अपने आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं मोहब्बत इलाही और उसके तकाजे, इस मौजू पर। नाज़रीन मोहतरम, ब्रेक पर जाने से पहले हम कारी हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि ये यक तरफा मोहब्बत तो हर वक्त होती है, यानी अल्लाह ताला की जानिब से तो अपने बंदों के साथ मोहब्बत हमेशा हमेशा से है और रहेगी। जैसे कि मुख्तलिफ जगहों पर हम पढ़ते सुनते भी हैं कि रब ताला को अपने बंदे से माँ की निस्बत 70 गुना ज्यादा मोहब्बत है। फिर अब कारी साहब ने यह फरमाया कि इसको दो तरफा मोहब्बत करने में देर जो है वो बंदे की जानिब से है। मुझे उनकी गुफ्तगू के तनाजुर में एक वाकया याद आ रहा था, एक हदीस का मफहूम है, मैं मुख्तसरन जल्दी से इसे बयान करने की कोशिश करता हूँ और फिर कारी साहब की जानिब चलते हैं। फरमाया कि एक शख्स अल्लाह ताला को अपने बंदे के रुजू पर इतनी खुशी होती है जैसे कोई एक शख्स सहरा में सफ़र कर रहा हो और वो आराम के लिए रुके, उसे नींद आ जाए, और जब वो नींद से बेदार हो
तो देखिए कि उसकी सवारी भी उसके पास मौजूद नहीं है और उसका जो खाना है ज़ाद राह है वो भी गायब हो चुका है, और वो परेशानी के आलम में जब उसे उस सहरा में ढूंढना शुरू करे और कुछ ना पाकर बिलाखिर थक हार कर यूं बैठ जाए गोया अब मौत का इंतज़ार है, और फिर यकायक उसे अपनी सवारी भी नज़र आ जाए और ज़ाद राह भी मिल जाए, तो उसकी खुशी और ज़िंदगी की तरफ लौट आने के एहसासात का आलम क्या होगा। तो अल्लाह ताला को भी अपने बंदे के रुजू पर ऐसी ही बल्कि यूँ कहिए कि उससे भी ज़्यादा खुशी होती है। तो आइए एक दफ़ा फिर चलते हैं नौजवान इस्लामी स्कॉलर कारी हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की जानिब और उनसे जानते हैं कि मोहब्बत इलाही और खौफ इलाही में क्या रब्त है। कारी साहब फरमाइएगा। जज़ाकल्लाह। तो माशाल्लाह आप बज़ात खुद एक स्कॉलर की हैसियत के हामिल हैं सर, आप जब आप सवाल करते हैं तो उसमें इतने सारे मौजूआत को बयक वक्त बयान कर देते हैं, तो मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है उसकी तौज़ीह करना। बार कैफ जहाँ तक मोहब्बत इलाही की बात है, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, किसी मोमिन के लिए जो ईमान वाला है उसके लिए अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर कुछ है ही नहीं, उससे बरतर, उससे सुपीरियर, उससे ऊपर उसके नज़दीक कुछ मुकदम नहीं है। उसकी ये ख्वाहिश है कि उसे अल्लाह ताला की मोहब्बत का हुसूल हो जाए और अल्लाह ताला उससे भी मोहब्बत करें, और वह ख़ुद इस जज्बे से सरशार रहता है कि वो भी ऐसे अमाल सर अंजाम दे जिससे मोहब्बत इलाही के तकाजे पूरे करने की कोशिश एक मोमिन की ज़रूर होती है, अगरचे इसमें कजी रह जाती है। जहाँ तक बात मोहब्बत और खौफ की है, देखें जिससे आपको यहाँ दुनिया के अंदर इंसानों में से जिससे मोहब्बत आप करते हैं, आपको ये खदशा रहता है, खौफ की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, आपको ये खदशा रहता है कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं जो है ना मेरा कोई काम उसको नापसंद ना के खिलाफ उसके मर्जी के बरक्स ना हो जाए। जब हम एक दूसरे के लिए इंसानों के लिए हम अपने माशरे में एक दूसरे के साथ रहते हुए इवन अपने आयली निज़ाम में रहते हुए एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं, तो जिसने ये आयली निज़ाम दिया, जिसने मुझे और आपको ये जिंदगी दी, उसका हक, जिसने मुझे और आपको वो दोस्त दिए जिनसे हम मोहब्बत के दावेदार हैं, यहाँ तक के मैं बरमला तौर पे कहता हूँ एक खावंद की हैसियत से मियाँ बीवी की जो मोहब्बत है, यहाँ तक कि उसने ही हमें वो जोड़ा बनाया है ना, उसके हुक्म से हम बेशक, जिसने वो चीज़ें हमें मुहैया की हैं, अता की हैं, तो जब एक दूसरे से उन चीज़ों से हम इतनी मोहब्बत करते हैं तो उसकी मोहब्बत के लिए हम क्यों इस चीज़ का खदशा नहीं रखते कि यार जो इतनी अताएँ दर अताएँ कर रहा है तो मैं क्यों उसकी सरकशी के काम को सर अंजाम दूँ। तो ये बिल्कुल खदशा लायक होना चाहिए, कहते हैं तो ये दरअसल खदशा है, ये खदशा है और ये मोहब्बत के तकाजों में से एक तकाजा बिल्कुल तकाजा है कि आपको ये खदशा लायक रहना चाहिए कि मेरी जुबान से कोई ऐसा जुमला ना अदा हो जाए जिससे मेरा रब नाराज हो, मेरे आमाल से कोई ऐसा अमल सरजद ना हो जाए मेरे कामों में से जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मैं उसकी मोहब्बत से महरूम ना हो जाऊँ, ये खदशा जरूर रहना चाहिए। और ये ईमान का तकाजा है, आपके ईमान के जो दर्जात हैं ये उसमें बढ़ाने में, उसको तकवीत देने में एक एलिमेंट है। बहुत शुक्रिया कारी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने बड़ी खूबसूरत तमसील के साथ वजाहत की है। अच्छा, बल्कि मेरे ख्याल में हम गुफ्तगू में मेरे अगले सवाल की जानिब खुद ही आ चुके हैं कि मेरा जो सवाल अगला आपकी जानिब था वो ये था कि मोहब्बत इलाही के तकाजे क्या हैं, तो आपने ये जो खौफ की बात और खदशे से जोड़ी तो ये तो यूँ कह लें कि उसका पहला तकाजा हो गया, अब थोड़ी सी इस पर मजीद वजाहत करें, बिल्कुल दीगर तकाजे क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, पहला तकाजा इससे भी कहीं पहले एक जो तकाजा है वो ये है कि इंसान को अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान कामल और यकीन होना चाहिए, फिर इसमें कोई दूसरा रास्ता ना हो, ये मोहब्बत इलाही का पहला तकाजा है जो हमने पूरा करना है। मैंने पहले अर्ज किया कि तकाजे हमने पूरे करने हैं मोहब्बत के, उसकी तरफ से पूरे हैं, पूरे हैं, हम ना भी उसका कहना माने, वो रिस्क दे रहा है, वो हमारे निज़ाम को चला रहा है, हमारी जरूरियात को पूरा कर रहा है, हमें नेमतों से नवाज रहा है, हम जिसकी हैसियत के हामिल ही नहीं है, हमारे आमाल इस काबिल ही नहीं है, इसके बावजूद उसकी मोहब्बत कम नहीं हुई, उसकी नेमतें कभी नहीं रुकी, हमने देखना है किन किन तकाजों को पूरा करना है। उसमें पहला तकाजा मोहब्बत इलाही का, उसकी वादानियत पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, लम जलिद वलम जुलद, या कनाबुदो या कनस्तवीन, सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, इसको प्रूव करना है अपने अमाल से कि जब मैंने ये कह दिया है और मैं पांच वक्त ये कहता हूँ, फिर आया मैं इस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ या मैंने थोड़े थोड़े
थोड़े थोड़े इधर उधर के रास्ते निकाले हुए, तो अगर मैंने थोड़े थोड़े रास्ते निकाले हुए हैं तो फिर मैं इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन, फिर मैं मोहब्बत इलाही के दावे करता रहूं, फिर लम यलिद वलम यूलद, फिर उसके अलावा कोई मददगार नहीं है, फिर ये सारे दावे धरे के धरे, फिर इन दावों पर गौर करने की जरूरत है। उसके बाद दूसरा और इसी पर ही एक बात मुझे याद आई कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में ये कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में ये कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, क्या बात है, बहुत खूब। तो इवन यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर बंदों में से अपने दोस्तों में से कोई दोस्त बनाए, किसी से मोहब्बत करें, तो उसका मेयार और उसका तकाजा भी यही है कि वो अल्लाह की रजा के लिए, कोई दुनियावी माली मनफात हासिल करने के लिए ना हो, महज दुनियावी जाहो जलाल और हशमत और अपने बैजा बैजा कराने के लिए ना हो, बल्कि उसका मकसद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मोहब्बत का हसूल हो। बल्कि अगर आपकी इजाजत है तो मुझे इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करना चाहूंगा, हदीस मुबारक का मफहूम है कि जो सात किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे कल कयामत के दिन, उस गर्मी के आलम में और जब 50,000 साल तवालत का दिन होगा, और उसमें जो सात लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे उसमें से दो लोग ये होंगे जैसे आपने फरमाया कि जिनकी मोहब्बत जो है आपस की मोहब्बत वो लिल्लाह होगी, लिल्लाह होगी, दुनिया में गर्ज नहीं होगी। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में ये तो एक उस दिन की कामयाबी का एक शॉर्टकट भी है। बिल्कुल शॉर्टकट है, और हमारा मतमा नजर, एक मुसलमान का मतमा नजर भी यही होना चाहिए कि मालिक यौमिद्दीन वो क़यामत के दिन का मालिक है और हम उस दिन कामयाब हो जाए। जी, तो एक तकाजा ये हो गया, और उसके बाद एक तकाजा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिउनी। अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमा रहे हैं कि आप ऐलान कर दें, लोगों से कह दें कि तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए, सही, तो तुम फत्तबिउनी, तुम जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, उनके रास्ते पर चलो, उनके बताए हुए तरीके पर, उनके उस्वा हसना को अपनाओ, उस पर अमल करो, तब क्या होगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो। यानी ये तो ये तकाजा भी हो गया और हमारे लिए सेल्फ असेसमेंट का एक तरीका भी हो गया कि हम अपने आप को इसमें जांच लें। बिल्कुल ऐसे, तो एक तकाजा यही है वादानियत, फिर रिसालत का सिर्फ दावा काफी नहीं, अल्लाह ताला को दावे नहीं चाहिए। वो उसने कहा है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, क्या बात, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो वह। तो ये मोहब्बत इलाही के उसूल का अगला मरहला वो यही है कि खैरुन्नास मैं यन्फाउन्नास, कि इंसान लोगों की भलाई का सोचे, लोगों के फायदे का सोचे, कि मेरी जात से लोगों को फायदा तो पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, और मैं इसी डगर पर रहूं, इसी जज्बे के साथ सरशार रहूं कि मैंने लोगों को फायदा, खैर का काम करना है, लोगों में खैर बांटनी है, मैंने नेकी के काम करने हैं, अच्छाई के काम करने हैं, ये जज्बा होना चाहिए। एक तकाजा उसमें से ये है, और फिर खैर के कामों में बकायदा कुरान मजीद में जिस चीज़ का जिक्र है और उसका पूरा ताल्लुक हमारे आज के मौजू के साथ है कि वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि जहाँ नेकी के कई काम हैं, भलाई के कई काम हैं, मोहब्बत इलाही के हुसूल के कई जरिए हैं, कई तकाजे हैं, उनमें से एक ये भी है कि इंसान जो भी नेकी काम करे उसमें से यहाँ तक के किसी भूखे को खाना भी खिलाना है, किसी मिस्कीन के साथ हमदर्दी के तहत किसी को देखा है हमने उसके साथ अगर भला करना है, उसको खाना खिलाना है, किसी कैदी के साथ, किसी यतीम के साथ, तो ये भी अला हुब्बे उसकी मोहब्बत से मुंसलिक होना चाहिए ये जज्बा भी। ये ना हो कि मेरा फोटो सेशन हो जाएगा, मेरी तस्वीर फेसबुक पे लग जाएगी, इस तरह नहीं, नेकी करनी है, वो तो फिर वही अता होगा। और फिर आखिरी बात करके मैं बात समेटता हूँ, मेरी बात काफी तवील हो गई है। अच्छा, इसका महवर, इसका मरकज, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की कनेक्टिविटी किसके साथ है, इंसान के दिल के साथ और अल्लाह के साथ। इंसान के दिलो दिमाग का जब ताल्लुक, जब बराह रास्त उसके कनेक्टिविटी सिर्फ अपने रब के साथ है और इसी धुन में मगन है कि किसी तरह मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, सब तो फिर जब इंसान एक कदम चलता है तो फिर वो अपनी मोहब्बत में 10 कदम चलता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कारी साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से, बल्कि आज तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि अभी आपने दिल की जो बात की है ना, तो वो आप मेरी दिल और मेरे जुबान से जो है ना वो अल्फाज लिए चले जा रहे हैं। मैं अब गुफ्तगू को क्लोज करते हुए इसी सवाल की जानिब आ रहा था,
कि हम दुनिया में रहते हुए अपनी मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी समाजी ज़िंदगी है और जो हमारे तालीमी कारोबारी मुख्तलिफ मसरूफियात और मसाइल होते हैं, अब ये सारी इन तमाम चीज़ों को साथ चलाते हुए अब एक शख्स चाहता है, उसे समझ भी आगे बात या आपके इस आपकी गुफ्तगू के तवसुत से किसी और वाक्य को अल्लाह ने सबब बना दिया, अब दिल में ये बात आ गई कि नहीं मुझे अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है, लेकिन दुनिया की जो चीज़ें हैं ना वो इस तरह से यूँ समझ लें कि उनमें इंसान जकड़ा हुआ है कि उसे समझ नहीं आ रही कि किस तरह अल्लाह की मोहब्बत को इस पर गालिब किया जाए। तो उसका बड़ा सीधा सीधा तरीका है, अल्लाह ताला बहुत जल्द उसके हो जाते हैं जो अल्लाह का होना चाहते हैं। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहु, अल्लाह ताला तो इस चीज़ के लिए बंदे के मुंतजर हैं, बंदे ने जाना है, अल्लाह ताला तो उसके हो जाते हैं जो अल्लाह का होना चाहता है। अब जहाँ तक रोज़मर्रा के अमूर का ताल्लुक है तो इंसान उसमें ये देखे, हमारे मैं यहाँ से बात समझाने की कोशिश करूँगा, हमारी करेंसी पर लिखा हुआ है हुसूल रिज़्क हलाल इबादत है, तो इबादत का मकसद भी रज़ा इलाही का हुसूल है। इबादत की जो मुख्तलिफ तारीफ़ात हैं उसमें एक तारीफ यही है कि हर वो काम जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए वो इबादत है। आप सुबह उठें, आपका मामूल ये हो कि मैंने अगर ये सर्ब सजूद होना है तो उसकी रज़ा के लिए, तो ये आप इबादत में हैं और उसकी रज़ा का हुसूल और उसकी मोहब्बत का हुसूल इंशाल्लाह होगा। आप उठते हुए दुआ पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं, क्यों? उसकी रज़ा के लिए, उसकी मोहब्बत में आप इतने सरशार हैं कि आप सुबह का आगाज उसके नाम से कर रहे हैं उठते ही। सही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हयाना से आप शुरू करते हैं, आप यहाँ तक के बैतुल खला में जा रहे हैं, आपने उसका नाम लिया है, ये आपका ताल्लुक है उससे, आप वापस आए हैं, आपने उसका शुक्र अदा किया कि मैं किसी अजियत से दो चार नहीं हुआ, उसके बाद आप मस्जिद में जा रहे हैं, उसके रहमत का सवाल कर रहे हैं। तो ये हमने मुंसलिक रहना है, मौका होता है, यहाँ तक कि हम अपने काम में आ गए हैं, हम अपने कारोबार पे पहुँच चुके हैं, हम अपनी फ़राइज़ मनसबी अदा करने वाली जगह पर पहुँच गए जिसे अपनी जॉब ड्यूटी और मकाम कहते हैं, वहाँ पर भी अगर हम मौजूद हैं और हमारे दिल में ये बात मौजूद है कि मैं ये जो ड्यूटी कर रहा हूँ, मैंने ये जो काम करना है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरे जो जेडीज हैं मैंने वो पूरे करने हैं ईमानदारी के साथ, क्यों? मेरा रब मुझे देख रहा है, मैंने उसकी रजा पानी है, रब की रजा का एहसास भी है। और जैसे आपने फरमाया कि फत्तबिउनी वाली बात, फत्तबिउनी कि आप सल्लम की सुन्नत, बिल्कुल उसकी पैरवी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया का सब, जजाकअल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, हमने अपने आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की मोहब्बत इलाही और उसके तकाजों पर। नाज़रीन मोहतरम, मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर कारी साहब का, जिन्होंने बहुत खूबसूरत से बड़ी मुदल्लल तमसीलात के साथ जो है वो मौजू पर रोशनी डाली। बात को क्लोज़ करते हुए, इख्तितामी लम्हात की जानिब बढ़ते हुए, मैं एक छोटा सा वाक्य अर्ज़ कर दूँ मोहब्बत इलाही के सिलसिले में। सहाबा कराम के एक गिरोह ने आप नबी करीम अलैहिस्सलाम से एक इमाम के मुतालिक, मैं तो अभी से यूँ कहूँगा कि गोया शिकायत की, कि जब वो नमाज पढ़ाते हैं, किरात करते हैं, तो हर किरत के बाद या हर रकात में वो कुल हुवल्लाहु अहद शामिल करते हैं, या तो हर सूरत की तिलावत के बाद इसको शामिल करते हैं, या शायद यूँ कि हर रकात में हर जो है वो सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास को मिला लेते हैं, उसकी तिलावत करते हैं। तो आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास जब ये बात पहुँची तो आपने उन्हीं सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से इरशाद फरमाया कि जाइए उनके पास, उनसे पूछिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो जब वो लोग उन सहाबी के पास पहुँचे और उनसे वो सवाल किया तो वो जवाब देने लगे, उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला की महब्बत में ऐसा करता हूँ, इस सूरत में मेरे महबूब के औसाफ बयान किए गए हैं। सुभान। तो सूरह इखलास जो है वो पूरी की पूरी सूरत गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और उसके औसाफ, वो औसाफ जिनमें वो यकता है, बेमिसाल है, उस पर मबनी है। जब ये जवाब उन सहाबी का, वो सहाबा दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर पहुँचे तो आपने फिर इरशाद फरमाया कि जाइए उन्हें खुशखबरी दे दीजिए कि वो जिसकी मोहब्बत में ये काम करते हैं, वो रब, वो खालिक, वो मालिक भी उनसे मोहब्बत करता है, और इस मोहब्बत का यकीनी नतीजा जो है वो जन्नत है। तो आइए आज अभी से हम भी मोहब्बत के इस सफ़र का आगाज़ करें, इफ्तार के इन खूबसूरत लम्हात में जो दुआओं की कबूलियत का वक्त भी है, अल्लाह ताला से राज़ो नियाज़ में आज हम भी अपनी मोहब्बत का इकरार कर दें।